आपको सेहत ओ पंखे को जी बंद कर दिया है और ये कपड़े जो लेकर आए थे बाजार से अभी जाते हैं ये यहाँ पर देने के लिए जा रहे हैं मैडम साहिबा बड़ी मैडम साहिब इधर तैयार हो चुकी हैं और ये जो छोटी मैडम साहिबा जो है ना ये पता नहीं अपना छिक्का जो गाय वाला होता है ना ये मुंह पे चढ़ाती हैं आपको नहीं आता नहीं। क्या बोलते हैं मास्क क्या बोलते हैं हाँ चलो आ जाओ फिर मास्क ले अपना अपना ले चलो और ये सामान उठाओ कपड़े चलो अपने कपड़े डाल लो सेफ में फिर चलो देर हो रही है फिर वापस भी आना काम भी बहुत सारे हैं ना एक एक काम के लिए ना दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं दिन जो है ना वो छोटा सा बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता ये बहन आई है ये देखें नबीनी है और इनका तजर्बा देखें बिल्कुल जो है ना अब्बू के पास आ जाएंगी ठीक है काकी तकड़ी है चले जी निकालें जी अमानत जो है ना हाँ जी आप वो निकालो ये मुंह पे क्या लगा रखा है इसने देखियो मुंह पे क्या मन धोवा मुंह को पता नहीं क्या लगाए सुमन लग गए सुमन नलके तो धो के कहीं रख दे सारा नाक मुंह गले छोटी सारा कुछ खाड़ी थई खाड़ खाता को तस्वीर छिके दिखे से इनते तो कर रहे अच्छा ये दिखाए ना ये बाबा जी नौ नंबर कह दाई सात नंबर बशीर दा ये सात नंबर जुती है ए दे भाई भाई जुती दे ए नौ नंबर तवा दी है ठीक है ते यारा नंबर है इंदा यारा नंबर देख ईद वास्ते घिना है जुती ए तेरी धी वास्ते दे के जी सोनी सोनी अल्लाह हाँ जी कपड़े दिखाओ ये बाबा जी हैं ये इनकी बेटी हैं बेटा इनका नबीना नहीं है ए हिक सूट तुम्हारी धी वास्ते बेहतरीन सोना सिवाय लाजमी ए हिक सूट तह दे पिया एक सूट तेरे छोड़ दे पिया ठीक है ए प्रवीण तुम्हारी धी रांदी है मस्कत च उन्दे वास्ते दुआ करनी है बीबी तू ही दुआ कर अपनी बहन वास्ते दुआ करें दुआ करें अल्लाह को औलाद देवे आमीन आमीन और इनका बेटा जो है ना वो घर पे मौजूद नहीं है बाबा जी बता रहे हैं कहीं पे गया हुआ है और आपकी अमानत प्रवीण सिस्टर की आप मस्कत से हैं तो उनकी अमानत आपकी जो है ना पहुंचा दी गई है बल्कि एक चीज और आपकी रह गई है वो जो है ना मैं दे देता हूँ मोबाइल पकड़े ना और वो कितना गया वदे चूड़िया गिने मेहंदी गिने ठीक है ये 2000 आप इन्हें 1500 बोला था चूड़िया और मेहंदी बोली थी लेकिन चूड़िया मेहंदी क्योंकि वो नाप नहीं पता था ना हमें तो इसलिए 500 ज्यादा दे दिए 2000 दे छोड़े थे चूड़िया चूड़िया गिने क्या कह रही हो असल में वहाँ से आई थी ना सुरमा जहाँ मेरे कसा क्या बोलते हैं यार मुझे आता ही नहीं जो मुँह पे पहनने वाला होता है मास्क वो ना मैं जहाँ मैंने रखा था ना वहाँ सुरमा शायद घिरा हुआ था नहीं अब तो साफ हो गया है नहीं अभी अभी कहते हैं नहीं सुहा हाँ वे साफ कर लो हाँ जी साबुन से धो लो अल्लाह चलो ये दे दो जी इनकी अमानत आमीन आमीन बेटियन बेटियन तुम्हारी धियान उन्ना दे बेनियन तुम्हारी धियन हाँ धिया रानिया हाँ आमीन आमीन ये दे दो बाजी को ले जाएंगे इनका तजर्बा देखो ये इनको दो ना हाथ में दो ये ले जाएंगे आओ देखा सही कर दुपट्टा अब आ गया ना थोड़ा सा अभी भी लगा हुआ है ऊपर हाँ धो क्या दोबारा जा धो क्या अभी लगा हुआ है तूने देखा तुझे नजर आ रहा है तो हाँ जी ये देख लगा हुआ है लगा इधर नजदीक आना लगा हुआ है इधर 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 झूठ है
नहीं लगा हुआ है क्योंकि आप ही ने कह दिया नहीं, तो मतलब नहीं। अच्छा चलो फिर चलें। अभी जी ये बहन हमारी पहुंची है और ये बहन इंतहाई हकदार और मुस्तिक हैं। काफ़ी अर्सा जो है ना ये बीमार रही हैं, अलील रही हैं, अल्लाह का शुक्र है अब जो है ना काफ़ी बेहतर हो गई हैं माशाल्लाह से। सारे रोज़े रखती हैं, इनका शोहर भी सारे रोज़े रखते हैं। तो माह रमज़ान का बिल्कुल एंड करीब हो चुका है और इनको जो है ना अपना ये राशन देते हैं, रोज़े भी रखेंगे इंशाल्लाह ताला जो है ना, दुआ भी करेंगे। दुआ करनी है बाजी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी तक माशाल्लाह से हमारे भाई सुल्तान हैं, आप यूके में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, उनकी तरफ से, और साथ में हमारी बहुत ही प्यारी बहना है नाजमा, आप ही हैं, और उनके बेटे हैं माशाल्लाह से मोहम्मद मुदस्सिर हैं, और भाई जान हैं उनकी तरफ से जो है ना। अभी तक माशाल्लाह से हकदार और मुस्तिक फैमिलीज़ में जो है राशन का तकसीम का सिलसिला जारी है। और मैं देखने वाले बहन भाइयों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 15-20 घर ऐसे रहते हैं जो इंतहाई हकदार मुस्तिक हैं, जो रह गए हैं। असल में वजह यह है कि पिछले साल हमने राशन दिया माशाल्लाह, इस बार जो है ना पिछली बार से भी ज़्यादा राशन तकसीम हुआ है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जब ये काम किया जाता है ना, वो काम मिसाल है, अगर पिछले साल हमने काम किया था तो वो इस साल डबल काम हो गया, डबल खवातीन हकदार पूछते पूछाते जो है ना घर में पहुंच जाती हैं। तो इसलिए जो है ना काफ़ी सारी खवातीन रह गई हैं। देखने वाले बहन भाइयों से, साहिब भी तौफीक बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने जो है ना अभी तक कहीं पे अपना हिस्सा नहीं भेजा तो आप जो है ना इधर ज़रूर हिस्सा भेजें, ताकि जो 15-20 फैमिलीज़ रह गई हैं उनको भी जो है ना राशन दिया जाए, ताकि वो भी जो है ना आपके दामन में बहुत सारी दुआएं समेटते हुए। और ये जो हमारी एक अम्मा जी हैं, दो बहनें हैं, ये सदात फैमिली से आई हैं। ठीक है जी, आपने रोज़े तो हर कोई अपनी मर्ज़ी से रखता है, लेकिन जब ये अपने बच्चों को खाना बना के खिलाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ढेरों और बहुत सारी दुआ देंगी। ये भी तो दी है, माँ दी है। माँ दी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ये जी मेरा यार बैठा है, अभी इसको लग गई है चोट बेचारे को, अब इसको लेके चलता हूँ मैं घर। फिलहाल जी चलते हैं सुगरा से जो है ना हाल चाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चल भाई देखो, देखो कुछ चीज़ गिरी भी अंदर नहीं, अच्छा मसाला वगैरह डाल लेना इसके अंदर। अच्छा अच्छा, मिसाले दूर से लग रहा था कि मक्खी गिर गई है। मसाले वगैरह मैंने बीच में डाले हैं। अच्छा जी, क्या बना रही हैं? मैं दाल बना लूँगी। नीचे क्यों उतार रही है? बस वो ना नीचे रख, उतार के ना फिर बंद से बंद हो गई। अगर आग तेज हो रही है ना फिर हाथ जलने का खतरा होता है। सही है, चलो माशाल्लाह ठीक हो गया सिस्टर। हाँ, चलो फिर उसको मैं लेके जा रहा हूँ। इनाम को इनाम लेके जा रहे हो? हाँ अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। कह रहा है हाय मामू के साथ जा रहा है, चलें चलें चला, अभी चलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है 2 मिनट के बाद चलते हैं। वो देखे जी जहाज आ रहा है जी, इतनी बड़ी लाइन है, ये देखें जी बाबा जी जहाज है। हाँ जहाज है, वो छोरे वीडियो में आ गया छोरे, मुबारक मुबारक। इनाम जी अपनी मामी जी के पास आया, बड़ी मामी जी के पास। बिस्कुट ले लो, वो चीज किसी दो, किसी दो, किसी दो, आराम से आराम से जाओ। दूसरी मामी को सलाम करके आओ, जाओ भाई लेके जाओ इसको यहाँ पे जी। पत्नी क्या काला काला पानी चढ़ा रखा है इसने? खिचड़ी का पानी है ये। खिचड़ी का पानी है जी। अच्छा, और क्या चावल? अच्छा खिचड़ी बन रही है। हाँ जी खिचड़ी बन रही है, और ये आलू बूंदी का सालन बना है। आलू बूंदी का सालन ऊपर डालने के लिए? खिचड़ी पे तो नहीं डालेगी वो, तो खिचड़ी तो वैसे खाई जाएगी। हाँ जी, वो मोशन लगे हुए ना आपको, तो इसलिए मैंने आज चिकन मंचूरियन बनाना था, लेकिन बस मुझे मोशन लगे हुए हैं, इसलिए जानना है तो मैं खुद बनाता, बड़ा मजे का बनता। हाँ जी बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाओ, मैं नहीं मना करती, बनाओ जी। बनाऊंगा बस तभी ठीक हो जाए ना, फिर बनाऊंगा। हाँ जी, जो आपका दिल करे ना बना के खाओ, मैं अब वो कुछ नहीं करना। और मुझे ना ये पतीले का ढकना दे दे। अच्छा, पीछे चावल भी रखे हैं। किधर है ढकना? ये पता नहीं, नजर तो आ नहीं रहा मुझे, जारा आई है उठाने के लिए। चलो जी ये ना इधर मट्टी है अंदर वाली साइड, चलो जारा को देखा, जारा उसको इनाम को। हाँ जी मैंने देखा, पूछा मैंने मुनीश से, वो कहता है मामी जी वो गिरी है। पारी करी से? हाँ जी पहले तो मैं ही गिरी। हाँ
इधर देखो इनाम, इधर देखो कैमरे पास। आज जी पहुंचा हूँ, कहाँ पे पहुंचा जनाब? बाजी फातिमा के घर। हाँ, आप फातिमा के घर पहुंचा हूँ जी, इफ्तारी करने के लिए स्पेशल बुलाया जी। हाँ जी, हाँ जी, इफ्तारी हमारे घर करनी है। सो बिस्मिल्लाह आए जी। रमजान शरीफ में झूठ तो न बोल। क्यों? सो बिस्मिल्लाह है जी। बुलाया नहीं है लेकिन आप आ गए तो सो बिस्मिल्लाह करके जाना है। हाँ, ये बात ठीक की आपने। अच्छा जी, मैं पहुंचा हूँ, एक गिफ्ट है, बहुत ही प्यारा तोहफा। मैं विश फैमिली जो है ना, यानी कि फातिमा आपी की फैमिली के लिए बहुत ही प्यारा तोहफा है, गिफ्ट है, जो है ना अभी जो है ना सरप्राइज देने वाले हैं आपी को इंशाल्लाह ताला। अभी जो है ना बेसब्री से इंतजार हो रहा है। क्या तोहफा होगा पता है आपको? आपको पता है? पता है, अभी मैं विश बेटी का गिफ्ट आ रहा है जी, रास्ते में अभी जब आ जाएगा जो है ना फिर आपको इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं। मेरी तो कॉल आ जाती है, पता नहीं इसको क्या जाना मोबाइल को मसला है। आती उस टाइम में जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ, आगे पीछे एक भी नहीं आती कॉल। अब कॉल कर दे। हाँ जी, हाँ जी, राशन वाले फोन भी हमें राशन दे। सुबह से शाम तक यही काम है, राशन है नहीं, राशन राशन राशन। इतने बेचारे रो रहे धो रहे होते हैं, कसमें दे रहे होते हैं, क्या करे बंदा। मैं कोई गवर्नमेंट का बंदा तो हूँ नहीं, मैं कोई वजीर आजम तो हूँ नहीं। हमारे मुखिया हजरात बहन भाई तामुन करते हैं, वही जो तामुन से जो है ना जितना भी कोशिश किया हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी माशाल्लाह जले हुए रोल पड़े हैं। किस तरह जले हुए? जले हुए समोसे पड़े। अच्छा, मेरी बेइज्जती तो ना करे, ये जले हुए? नहीं नहीं, अच्छे बने हुए माशाल्लाह से। जैसे शुक्रिया बनाती है वैसे यहाँ बना रही है माशाल्लाह, तो बस थोड़े से जल गए, ज्यादा नहीं। बस वो ना चमचा नहीं था ना मेरे पास, वो दूसरा वो जो समोसा वाला होता है ना वो लेके आऊंगी जब बाजार, छोटा सा चमचा, तो उससे जलते जलते जाते, और आग भी बहुत ज्यादा जल रही थी। और सालन क्या बना? सालन आज चनों की दाल। अच्छा चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, गरीब बंदे के लिए होती तो चने की दाल, मूंगी की दाल, मसूर की दाल, आलू, आलू पालक। हाँ जी, रात मैंने आलू पालक बनाई थी परसों। कोई 15 दिन में कोई मुर्गी का गोश्त वो देखने को मिल जाता है, या कोई इफ्तारी हो जाए या कोई खरायत घर में हो जाए, या कोई अच्छा खाना मिल जाता है। ये बेसब्री से दोनों इंतजार करें, हम गोश्त खाए मैंने क्या बहुत। तो हक बनता है भाई, रोजेदार है मेरी बेटी, जितना मर्जी खाए। वो पिछली मरतबा जो हमने देख बनवाई थी वो कम हो गई थी, तो इस मरतबा जो है ना हम गोश्त ज्यादा डलवाएंगे। हाँ जी, ताकि जो है ना रज के पेट भर के खा सके। हाँ जी, ये तो बात सही है। सही बात है ना? हाँ सही बात है। यहाँ पे जी मैं बेटी बेसब्री से अपने ना गिफ्ट का तोहफे का इंतजार कर रही है। और यहाँ जी माशाल्लाह से, माशाल्लाह से ये क्या फोसी करती आ रही है गाय। आपका जो गिफ्ट है ना तोहफा है, इतना प्यारा तोहफा, फोसी करता आ रहा है। चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आराम से भैया आराम से, इधर ला के रुके ना ये। माशाल्लाह से जी तोहफा हमारी सिस्टर का भी आ चुका है, बहुत ही प्यारा अनमोल तोहफा माशाल्लाह से। और ये देखें जी, साहिवाल की नस्ल है, ये गायें हैं माशाल्लाह से। सामने आ जाए जी मालिक, क्योंकि हम तो जी इसमें जो है ना लगे थे लेने में, काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि ये जो जानवर होता है ना इसका कोई भरोसा नहीं होता, इसको देख के सोच समझ के सोच भाल के ये चीज़ लेनी पड़ती है। हाँ जी बताएं, ठीक है? माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, अल्लाह ताला नसीब करे सब, अल्लाह ताला माँ जी को भी बहुत दे जो हमारे लिए ये तोहफा भेजा है, तो हम उससे बहुत सलाम करते हैं, और बहुत अल्लाह ताला उनकी कारोबार में रिज़्क अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ये देखें जी, अब मैं बता देता हूँ सूरत हाल। पहले जो है ना फातिमा आपी ने, पहले जो है ना मैं खुद ही से क्या बोलते हैं, मैंने कहा चलो जी अपनी मर्जी करें या अपनी मर्जी से लें। फिर इन्होंने एक गाय पसंद की थी, वो जो गाय है ना इन्होंने महंगी ली हुई थी, एक तो उसके नीचे बछड़ा नहीं था, जानवर नहीं था, दूसरी बात है वो महंगी बहुत दे रहा था, अपने समझ के ना ये लूट लेती हैं, ठीक है ना। वो फिर जाके मैंने पैसे वापस लिए, क्योंकि मैं लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब मुझे सब ने कहा ना कि भाई वो भाई सदीक जो है ना गायें जो है ना कम से कम 50-60 हज़ार महंगी ले रहे हैं, आप जाके ना उनको समझाओ। फिर मैंने उस मालिक से पैसे लेकर आया हूँ, फिर मैं आप खुद जो है ना 2-3 दिन लगातार जो है ना जानवर देखता रहा हूँ। कल भी मैं मंडी गया हुआ था, बुद्ध मंडी चौक आजम गया हुआ था, मंगल मंडी लगी हुई थी, भाई रफीक भी मेरे साथ थे, भाई लोग साथ थे, वहाँ पे हमें पसंद नहीं आई। फिर कल हमने ये देखी, फिर और भी आज देखी हैं, लेकिन हमारे दिल को यही भाई है। हाँ जी,
माशाल्लाह साहिवाल की है और अच्छी नस्ल वाली है। साहिवाल की है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने वाली है, और नस्लें जो होती है ना वो यहाँ पे पंखे लगाने पड़ते हैं। हाँ जी, ये तो बात सही है। हमारे तो अपने बिल नहीं दिए जाते चलाते जो पंखे, तो सर्दी भी बर्दाश्त करते और गर्मी भी करते। हाँ जी, छांव बनाएंगे यहाँ पे जबरदस्त। और इसकी जो है ना गाय की अब जो है ना खासियत भी बता देता हूँ माशाल्लाह से। ये जो हमारी गाय है सोने वाली गाय है, 10 से 12 दिन ये निकालेगी, ईद के बाद जो है ना ये इंशाल्लाह ताला ये भी आ जाएगी। हाँ जी, सू जाएगी। और दूसरा इसका जो है ना वारा है, दूसरा सुवा। हाँ जी, दूसरा सुवा। पहला सुवा जो है ना यानी कि ये हो चुका है, नौजवान गाय है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी है। अल्लाह पाक आपको बरतना नसीब फरमाए। और हमारी माँ जी हैं, दो अम्मा जी हैं, एक छोटी अम्मा जी हैं, एक बड़ी अम्मा जी हैं, उन्होंने मिल के जो है ना आपको तोहफा दिया है माशाल्लाह से, माह रमजान का गिफ्ट दिया। ये तो बात सही है, माह रमजान का गिफ्ट दिया। अल्लाह ताला जिंदगी रखे हमारी माँ जी की, दोनों माँ जी की रखे, उनकी बच्चों की रखे, अल्लाह ताला उनके कारोबार में रिज़्क। आमीन आमीन माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा तोहफा है जी माशाल्लाह से। अल्लाह पाक आपको जो है ना इसमें अल्लाह पाक आपको नफा दे माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको रंग लगाए। अम्मा जी बहुत ही प्यार से बोलती हैं कि अल्लाह करे तो आदा गईया नाल ते जानवर नाल वेड़ा भरिया होवे, ते अल्लाह करे आपका। माँ जी भी कहती है सोच समझ के लेना, भी अच्छी गाय हो भी चला के देखना, बहुत भी समझदार है ना, बड़ी है तो मशवरे देते हैं। मैंने कहा चलो माशाल्लाह, आपने देखने वाले प्यारे बहन भाइयों ने छोटी अम्मा जी के लिए, बड़ी अम्मा जी के लिए, उनकी पूरी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए दिल से दुआ करनी है। यार हम तो 10 रुपए की हमारी औकात नहीं है, हम कोई चीज नहीं ले सकते, और ये 2,30,000 रुपए की चीज है, इतनी महंगी चीज है। ठीक है, अभी आपने छपरा भी बनाना है और आपने मशीन भी लेनी है, सारे मामलात करने हैं इंशाल्लाह ताला। जाऊंगी और ये छपड़े का सामान भी लेके आना है, और धूप निकलने से पहले हमने ये तैयार करना है ताकि ये इसके अंदर ही खड़ी रहे। हाँ, और मशीन भी लेके आना है। अभी आपकी जिम्मेदारी है इसको जो है ना अच्छी तरह से इसकी देखभाल करनी है। हाँ जी, चले घास घूस डालो इसको माशाल्लाह से। अभी जो है ना ये रिक वगैरह कर रही है, और इसकी ईंटें वगैरह यहाँ से हटा दो, इसको छोड़ दो खुला, क्योंकि ये गबन है ना, तो इसको नजदीक अभी कोई ना। और ये बहुत शरीफ गाय है। हाँ जी, आप हेलक करोगे ना आपकी हेलक हो जाएगी। कर आगे आगे कर, ले जा पकड़ के, कह रही मुझे मारेगी। चल चल हाथ तो फेर जाके, सुभान अल्लाह। नहीं है, नहीं नहीं है ना, इसलिए क्योंकि साल 2 साल हो गए तो हमने माल छोड़ा है ना, तो इसलिए डर लग रहा है मुझे। चलो आप, मैं जा रहा हूँ, घर बुला रहे हैं, फोन आ रहे हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह आपको सेहत दे। क्या हो गया? तो अच्छा अल्लाह हाफिज। ये बुजुर्ग अम्मा जी आई हैं, ठीक है अहमद अली, बस बाहर जाकर न दिया इनको, वो बाहर आए हुए हैं ना इनके। ठीक है अम्मा, दुआ करें। आमीन 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 आमीन। ये देखिए टांग का कोई है मसला, पता नहीं कौन के पास जा रही है। खैर फिर वापस चली गई है। अच्छा अच्छा, मैं भी जी दुआ करवा लेता हूँ। अफ्तारी का टाइम जी हो चुका है, यहाँ पे माशाल्लाह से अफ्तारी लगा दी गई है, स्ट्रॉबेरी मंगवाई है, पकोड़े, वही चीज़ें जो रोज़ाना होते हैं आपके सामने, कोई नई चीज़ तो है नहीं। दुआ करा लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बैठ जाओ मुनीब बेटा, ये इनाम बैठ जाओ, दुआ करो। अल्लाह पाक आज की हमारी इफ्तारी अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह पाक हमारे सारे रोज़े अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह पाक जो बीमार हैं शिफाए कामला अता फरमा। ए अल्लाह पाक जो परेशान हाल हैं परेशानियां दूर फरमा। ए अल्लाह पाक जो कर्जदार हैं कर्ज से निजात दिला मेरे मालिक। ए अल्लाह पाक माह रमज़ान के प्यारे बाबरकत महीने का सदका मालिक, जो मदीने पाक की जाने की तमन्ना रखते हैं मेरे मालिक, मदीने पाक की उनकी हाजिरी नसीब फरमा, अपना करम फरमा, रहम फरमा। ऐ अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं नेक नूरीना औलाद अता फरमा। बहुत सारी मेरे पास काले आती हैं हमारी बहनें, जो जिनकी गोद अल्लाह पाक अधूरी है मेरे मालिक, प्यारे नबी के उम्मत का सदका मेरे मालिक, प्यारे नबी का सदका मेरे मालिक, उनके पाक महीने माह रमज़ान का सदका मेरे मालिक, उनको नेक नूरीना औलाद अता फरमा, अपना करम फरमा, रहम फरमा। जो दुआ मांग चुके हैं मेरे मालिक ये भी कबूल फरमा ले, जो नहीं मांग सके और हमारे हक में जायज़ हो मेरे मालिक वो भी हमारी दुआ कबूल फरमा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहान क्या चीज़ है, लोहो कलम तेरे हैं। या अल्लाह पाक हमें पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह पाक हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा, बुरे कामों से मेरे मालिक हमें माफ़ी अता फरमा, अल्लाह पाक नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, अपना करम फरमा, रहम फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतु वबिकमंतु वलैका तवक्कलतु वला रिज़्क़ अफ़तरतु। दो भी मेरे बड़े रोजेदार को दो, सबसे पहले चलो रोजा खोलो और अम्मा जी के लिए दुआ करना। अम्मा जी के लिए दुआ करो, अच्छे दुआ करो हाथ करके, अम्मा जी अल्लाह मियाँ अम्मा जी को अल्लाह सेहत दे, आमीन सुमा आमीन। आप भी अम्मा जी के लिए दुआ करो, आमीन आमीन माशाल्लाह। चलो जी बड़े रोजेदारों ने खोल लिया रोजा, अब जी हम खोल लेते हैं, इसको भी दो ना बड़े रोजेदार को नमक। ये खोल गया नमक।